हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आंचल और आज के इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूं कुछ फेस्टिव आउटफिट आइडियाज़। एंड स्पेशली मैंने आउटफिट्स पिक किए हैं मिंत्रा से, फ्रॉम द ब्रांड रस्ट ऑरेंज। रस्ट ऑरेंज की अगर मैं बात करूं तो काफ़ी अच्छा ब्रांड है। इसके कपड़े ना काफ़ी अच्छे लगते हैं मुझे, काफ़ी डिफरेंट हैं, यूनिक हैं, बाकी सभी ब्रांड से थोड़े से हटके दिखते हैं। काफ़ी वाइब्रेंट कलर्स में आते हैं एंड बहुत ही ज़्यादा कम्फर्टेबल हैं, समर्स के लिए स्पेशली बहुत कंफर्टेबल हैं एंड अफोर्डेबल भी हैं। तो आप इसको ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं, आपको ये अमेजोन, मिंत्रा, काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स पे मिल जाएंगे इनके आउटफिट्स। प्लस इनकी खुद की भी वेबसाइट है तो आप वहाँ पर भी जाकर चेकआउट कर सकते हैं। मैंने शॉपिंग की है मिंत्रा से, तो चलिए मैं आपको एक एक करके दिखाती हूँ। ऑल्सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर योर रिस्पॉन्स ऑन माई फेस शेविंग रूटीन वीडियो। काफ़ी प्यारे प्यारे कॉमेंट्स आपने किए, काफ़ी सारे डाउट्स आप लोगों के क्लियर हुए। ऑल्सो जो मैंने रूटीन बताया है उसमें वो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है, आप वो रूटीन अगर फॉलो करेंगे ना तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। स्पेशली अभी जैसे समर्स में ना मैं टी ट्री वाले इंग्रेडिएंट्स वाले प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही हूँ। ममा अर्थ की टी ट्री रेंज मैं कंप्लीट यूज़ कर रही हूँ। मैंने उसमें स्पेशली यूज़ की है ममा अर्थ की टी ट्री रेंज। दिस इज़ फेस वॉश एंड दिस इज़ फेस मास्क एंड टी ट्री फेस सीरम भी है। तो ये कंप्लीट रेंज में आजकल यूज़ कर रही हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है स्पेशली इस समर्स में। आप ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है, बहुत जल्दी इरीटेट हो जाती है, एक्ने एंड पिम्पल्स बहुत जल्दी जल्दी आते हैं ना, तो ये रेंज आप ट्राई कर सकते हैं। इसमें है ये फेस वॉश, इसको आप रेगुलरली दिन में दो बार यूज़ कर सकते हैं एंड उसके बाद आप को ये लगाना है फेस मास्क। फेस मास्क आपको हफ्ते में सिर्फ दो बार ही यूज़ करना है। मैं एक से दो बार इसको यूज़ करती हूँ। इसको बस अप्लाई कर लो अपने पूरे फेस पे एंड देन सूखने के बाद इसको रबिंग मोशन में निकाल लो एंड अपना फेस वॉश कर लो। आपको भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे क्योंकि इसके इंग्रेडिएंट्स ही ऐसे हैं, टी ट्री एंड सैलिसिलिक एसिड। ये दोनों ही इंग्रेडिएंट एक्ने के लिए परफेक्ट हैं। ये एक्ने कॉजिंग बैक्टीरिया को किल करते हैं, स्किन को अंदर से प्योरीफाई करते हैं एंड आपकी स्किन को ना सूदिंग इफेक्ट देते हैं। स्पेशली टी ट्री एंड सैलिसिलिक एसिड आर बेस्ट इंग्रेडिएंट फॉर एक्ने प्रोन स्किन। सो डू ट्राई इट। मैं इसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगी। आप mamaearth.in पर जाके ममाअर्थ के कोई भी प्रोडक्ट चेकआउट कर सकते हैं। एंड ऑल्सो आई हैव अ कूपन कोड फॉर यू गाइज, आंचल 2021 फॉर एक्स्ट्रा 20% ऑफ। बाकी ये प्रोडक्ट्स आपको अमेजोन पे भी मिल जाएंगे तो आप वहां से भी ले सकते हैं। सो ममाअर्थ के काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स मैं यूज़ करती रहती हूँ, मुझे काफ़ी पसंद आते हैं। इंडियन ब्रांड है अपना, प्लास्टिक पॉजिटिव ब्रांड है, विच इज़ द बेस्ट पार्ट। सो डू ट्राई इट। ओके, सो फर्स्ट ड्रेस इज दिस वाइट टीयर्ड कुर्ती ड्रेस। काफ़ी फ्लोई एंड लाइट वेट है, द मटेरियल इज विस्कोस। बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट एंड कंफर्टेबल है गर्मियों में पहनने के लिए। तो ये ड्रेस एक मॉडर्न लुक देती है, साथ ही साथ एक ट्रेडिशनल लुक भी देती है बिकॉज ऑफ दिस वाइब्रेंट कलर दुपट्टा। दुपट्टे का मटेरियल कॉटन है एंड काफ़ी ब्राइट कलर्स में है तो काफ़ी अच्छा एक कंट्रास्ट आता है। नाउ ऐसे ड्रेसेस मुझे पर्सनली काफ़ी ज़्यादा पसंद है क्योंकि आप इनको ना कई तरह से पहन सकते हो। विदाउट दुपट्टा भी ये कुर्ती आप एज अ ड्रेस पहन सकते हो कैजुअली एंड ऑल्सो विद दुपट्टा आप एक प्रॉपर एथनिक लुक क्रिएट कर सकते हो। सो मैंने इसको यहाँ पर पेयर किया है खूब सारी सिल्वर ज्वेलरी के साथ फॉर सम फेस्टिव वाइब्स एंड ओवरऑल काफ़ी ब्रीजी शीक आउटफिट है फेस्टिव सीजन के लिए। Now next is this crop top and lehenga set in very vibrant colors. Crop top में काफ़ी भरा भरा print है with golden foil print. Lehenga कलीदार look में है, maroon and rust orange color combination में, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। काफ़ी festive vibes मिलती हैं and काफ़ी elegant भी लगता है। The material is cotton and very breathable for summer season. मैंने इसके साथ सिर्फ स्टेटमेंट इयररिंग्स पैक किए हैं एंड दिस इज़ हाउ इट लुक्स ऑन मी। ऑल्सो वन थिंग आई रियली लाइक कि इसकी जो लेंथ है लहंगे की वो बहुत अच्छी है, परफेक्ट है मेरे लिए। अदरवाइज जब भी मैं ऐसे सेट्स ऑर्डर करती हूँ ना तो उसकी लेंथ मुझे काफ़ी शॉर्ट रह जाती है, बट इसकी लेंथ मुझे शॉर्ट नहीं पड़ी। ऑल्सो आप इसको लहंगे की तरह या फिर स्कर्ट की तरह दोनों तरह से ही पहन सकते हो। इवन आप इसको पेयर भी कर सकते हो अपनी डिफरेंट डिफरेंट कुर्तीज़ के साथ, क्रॉप टॉप्स या फिर ब्लाउजेज के साथ। Now next is this beautiful, beautiful kurta set in lime green color. This looks so vibrant and so fresh for summer season. The material is cotton again, very breathable and soft. एक festive look के लिए again बहुत अच्छा set है जिसको आप different different तरह से पहन सकते हो। इसके साथ बहुत ही ब्यूटीफुल सा इंडिगो दुपट्टा आता है जो इस पूरे सेट को एक स्टेटमेंट लुक देता है। ऑल्सो ये काफ़ी अच्छा सेट है फॉर कैजुअल वेयर और फॉर्मल वेयर,
क्योंकि इसका कलर कॉम्बिनेशन बहुत ही क्लासी है, नेक डिजाइन बहुत सोबर है, ओवरऑल जो इसका पूरा लुक है वो काफी सटल है। मैंने इस लुक में सिल्वर झुमकी इयररिंग्स पहने हैं इसके साथ, थोड़ा फेस्टिव लुक के लिए। एंड दैट्स इट। ओके, तो अगर आप कुछ गर्ली स्मार्ट लुक चाहते हो ना, तो यू कैन ट्राई जंपसूट फॉर फेस्टिव सीजन इन एथनिक लुक। बहुत ज्यादा हैवी नहीं पहनना है, थोड़ा मॉडर्न लुक चाहिए बट थोड़ा सा इंडियन टच भी हो, तो ऐसे जंपसूट्स मुझे तो बहुत पसंद आते हैं। दिस इज इन मरून कलर विद वाइट प्रिंट। सामने इसमें वुडन बटन्स की डिटेलिंग है विद वी नेक डिजाइन, एंड इसमें पॉकेट्स भी हैं, तो एक कैजुअल लुक के लिए भी काफी स्मार्ट दिखेगा ये जंपसूट। मटेरियल इसका भी विस्कस है, काफ़ी अच्छा ब्रीथेबल मटेरियल है, ब्रीजी है, सो आई रियली लाइक इट। एंड फेस्टिव लुक के लिए मैंने इसको पेयर किया है विद बिग स्टेटमेंट इयररिंग। सो फॉर द नेक्स्ट लुक मैंने ये ब्लैक फ्लेयर्ड कुर्ता सेट पहना है। इसके साथ आता है ये मरून पोलका डॉट दुपट्टा विद ब्लैक बूटा बॉर्डर। ये भी अगेन एक ऐसा सेट है जो हम बार बार रिपीट करके पहन सकते हैं, इवन इनको अलग अलग भी बहुत तरह से स्टाइल कर सकते हैं। जिसका मटेरियल है वो अगेन विस्कस है एंड काफ़ी स्मूथ एंड सिल्की, सुपर ब्रीदेबल फैब्रिक है, एंड जिसका फिट है वो काफ़ी फ्लोई एंड फ्लेयरी है। ये कुर्ता सेट आप अपने ऑफिस में भी पहन सकते हो या फिर थोड़े से ड्रेसी लुक के लिए भी स्टाइल कर सकते हो, जैसे मैंने किया है। सो हियर आई हैव पेयर्ड दिस पीस विद माय फेवरेट हैंडमेड नेकलेस एंड दीज ब्यूटीफुल अजरक हील्स फ्रॉम तिजोरी, एंड दिस इज हाउ इट लुक्स। कमेंट करके बताना ज़रूर कि आपको ये वाला लुक कैसा लगा। नाउ अभी तो काफ़ी ट्रेंडिंग है शरारा आउटफिट, सो फॉर कमिंग फेस्टिव सीजन यू कैन चूज अ शरारा सेट लाइक दिस वन। ये मरून कलर में है एंड इसके साथ ये शॉर्ट फ्रॉक स्टाइल कुर्ती है इन वी नेक डिज़ाइन। पूरी कुर्ती पर बहुत प्यारा फ्लोरल प्रिंट है एंड थोड़ा थोड़ा गोटा पट्टी की डिटेलिंग भी है। ऑल्सो इसके साथ ये फैब्रिक बेल्ट है जिसको आप इसके साथ बांध सकते हैं, आप निकाल भी सकते हैं अगर आप चाहें तो। वैसे अगर आप बेल्ट को ऐड कर देंगे ना तो काफ़ी अच्छी डेफिनेशन मिलेगी आपकी वेस्ट को। द शरारा इज़ वेरी फ्लोई, वेरी कम्फर्टेबल। ओवरऑल लुक मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा लगा, एंड फेस्टिवल्स में जब आपको कम्फर्टेबल भी रहना है, स्टाइलिश भी दिखना है, तो ऐसे फ्लोई ब्रीजी आउटफिट्स आर परफेक्ट ऑप्शन। ओके गाइज, तो ये थी मेरी आज की वीडियो, ये थे कुछ आउटफिट्स, बहुत ही परफेक्ट हैं कमिंग फेस्टिव सीजन के लिए। आप रक्षाबंधन के लिए इसमें से कुछ अपने लिए ढूंढ सकते हैं, कंफर्टेबल भी हैं, अफोर्डेबल भी हैं एंड थोड़े से डिफरेंट हैं। मुझे ऐसे ड्रेसेस काफ़ी अच्छे लगते हैं। सो यस, दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अच्छी लगी है वीडियो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, एंड और भी अपडेट्स के लिए मुझे ज्वाइन कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पर भी, मेरा आईडी है माय ऑलिव ट्रंक। ओके, तो चलो मिलती हूँ अब मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। कीप स्माइलिंग एंड टेक केयर, बाय।